आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा की SP160 को होंडा की हॉर्नेट 2.0 से। दोनों ही फ्रेंड्स यहां पे 2023 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल्स है और फ्रेंड्स ये दोनों ही E20 अपडेट्स के साथ फाइनली आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देख ले, आपके सभी डाउट्स को यहाँ पे हम फ्रेंड्स डिटेल में जो है वो क्लियर करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंसेस मिलता है, कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्या कुछ ऑन रोड प्राइसेस जा रहा है दोनों ही मॉडल्स का, सभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स आपके मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स SP160 जो है इसका टॉप मॉडल ऑन रोड जा रहा है 1,52,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में और हॉर्नेट फ्रेंड्स ऑन रोड जा रही है 1,75,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, 1,75,000 रुपये के अप्रॉक्स में ये ऑन रोड मिलती है। दोनों ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है, दोनों में ही सिंगल चैनल ABS कंपनी ऑफर कर रही है। और अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लुक्स जो है वो मिल जाता है। टैंक यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दोनों में ही काफ़ी मस्कुलर कंपनी प्रोवाइड करती है और टॉप से कुछ ऐसा यहाँ पे व्यूज़ आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स दोनों में यहाँ पे फीचर्स में तो काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है और ओवरऑल में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो दोनों में यहाँ पे कंपनी आपको रियर में मोनोसॉक सस्पेंशन प्रोवाइड कर देती है और रियर का जो टायर है वो आपको ज़्यादा वाइड मिलता है हॉर्नेट में। हॉर्नेट का जो रियर का टायर है वो आपको मिलता है 140/70 का, जो कि 17 inches के अलॉय व्हील्स पर माउंट है और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स 130 सेक्शन का टायर्स। तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस का आइडिया लगा पा रहे होंगे। साथ के साथ फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं इसका जो है वो आपको उतना वाइड टायर नहीं मिलता जितना कि आपको हॉर्नेट में मिलता है, आपको यहाँ से जो है वो आइडिया लगेगा। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको SP में कंपनी सिंगल में सीट प्रोवाइड करती है और वहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट, स्प्लिट में ग्रैब रेल्स मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल में ग्रैब रेल मिल रहा है। और अगर आप किक की बात करते हैं तो SP160 में कंपनी आपको यहाँ पे किक ऑफर करती है, जो कि फ्रेंड्स आपको हॉर्नेट में नहीं मिलता है। तो एक यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल में लुक्स की, तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे साइड माउंटेड थोड़ा लॉन्ग लेंथ में है और इसमें आपको मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट लेंथ वाला एग्जॉस्ट। अगर हम मीटर कंसोल की बात करते हैं तो इसका जो मीटर है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है यहाँ पे डिजिटल में, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप का मिलता है ब्लैक एंड वाइट में। और यहाँ पे न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, नीचे में साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, टाइम इंडिकेटर और यहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर भी कंपनी ऑफर करती है। साथ के साथ ये एवरेज भी यहाँ पे शो करता है। बाकी अगर हम स्विचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है, नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम यहाँ पे आपको मिल जाता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का सेटअप और यहाँ पे पास यहाँ पे कंपनी आपको हॉर्न प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सेटअप जो है वो आपको सिंपल सा मिल रहा है। बाकी टैंक में यहाँ पे ग्राफिक्स आपको मिल जाता है और वहीं अगर आप फ्रेंड्स हॉर्नेट में देखते हैं तो हॉर्नेट का जो डिस्प्ले है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे फुल स्वाइप मार के स्टार्ट होता है। गियर पुशनिंग इंडिकेटर है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज जो है वो आपको शो करता है, नीचे में टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी इंजन किल स्विच प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डेडिकेटेड हजार्ड लाइट का स्विच, नीचे में इलेक्ट्रिक स्टार्ट, यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न। तो कुछ ऐसा सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है। इसका जो की का प्लेसमेंट है वो यहाँ पे फ्रेंड्स टैंक पे आपको कंपनी दे रही है। यहाँ पे आपको मिलता है 5-speed गियरबॉक्स का सेटअप, यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाता है। और साड़ी गार्ड फ्रेंड्स दोनों ही बाइक्स में आपको मिलेगा। ओपन चेन सिस्टम के साथ फ्रेंड्स दोनों ही बाइक्स यहाँ पे आ जाती है और कुछ ऐसा लुक्स आपको यहाँ पे मिलता है। आपको हम ऑन करके दिखा देते हैं। तो इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो ऑन है। बाकी आप फ्रेंड्स से जो डिज़ाइन है वो एक बार देख लेता कि आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया लग जाए। फुल्ली LED लाइट्स का यहाँ पे यूज़ है फ्रेंड्स हॉर्नेट में, यहाँ तक कि इंडिकेटर जो है वो भी आपको LED मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलता है फ्रेंड्स जो कि है बल्ब में। बाकी यहाँ पे फ्रंट में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है गोल्डन USD फोक्स, यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स और ये फ्रेंड्स आता है रिफ्लेक्टर्स के साथ, यहाँ पे भी आपको जो है वो रिफ्लेक्टर्स दिख जाएगा। इसका जो फ्रंट का टायर है वो 110 सेक्शन का कंपनी आपको ऑफर कर रही है और यहाँ पे आपको फ्रंट का टायर मिलता है 80 सेक्शन का। तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो मिल जाता है। बाकी फ्रंट से आपको हम लुक्स जो है वो दिखा देते हैं बाइक का। तो ये अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्लीट लुक्स SP160 का और यहाँ पे हॉर्नेट का। तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि दोनों में से कौन सी बाइक यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा प्रीमियम लगी है। बाकी अगर आपको और कुछ भी जानना है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स अब हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाइक लेनी है तो सॉरिया होंडा आप विजिट कर सकते हैं, न्यू मॉडल का जो स्टॉक है वो आ चुका है। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।